2020 में होगी शाहरुख की फिल्मों में वापसी, करीना संग आएंगे नजर। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान फिल्म इंडस्ट्री में पिछले कुछ समय से एक बड़ी हिट की तलाश में है। किंग खान की पिछले फिल्म कुछ बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया, मगर शाहरुख एक बार फिर से अपने कमबैक को लेकर चर्चा में है। ये बात साल 2019 से सामने आ रही है कि वे राजकुमार हिरानी के फिल्म का हिस्सा होंगे और फिल्म में उनके ऑपोजिट करीना कपूर खान नजर आएंगे। रिपोर्ट्स की माने तो शाहरुख खान ने राजकुमार हिरानी की एक फिल्म के लिए हाँ कह दिया है। साथ ही शाहरुख के साथ फिल्म में काम करने के लिए बॉलीवुड की बेबो यानी करीना कपूर खान ने भी हाँ कर दिया है। हालांकि फिल्म के बारे में अभी आधिकारिक घोषणाएं आनी बाकी है। बता दें, पिछले साल से ही ये चर्चा चल रही है कि शाहरुख राजकुमार हिरानी के किसी फिल्म में काम करते नजर आ सकते हैं। अब ये देखना होगा कि आखिर ये प्रोजेक्ट कैसा होगा और क्या ये शाहरुख के डूबते करियर को संभाल पाएगा। वहीं शाहरुख की पिछली फिल्म जीरो थी, जो साल 2018 के अंत में रिलीज हुई थी। फिल्म में शाहरुख खान ने एक बौने शख्स का रोल प्ले किया था। फिल्म में उनके ऑपोजिट अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, मगर कास्ट की एक्टिंग को काफी पसंद किया गया था। बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि शाहरुख खान को अच्छे कंटेंट पर बनी फिल्मों में काम करना चाहिए। वहीं शाहरुख हमेशा से ही मसालेदार फिल्मों में काम करना पसंद करते हैं। देखने वाली बात ये होगी कि क्या शाहरुख 2020 में नए अंदाज में नजर आएंगे। किंग खान के प्रशंसक काफी लंबे समय से एक्टर की सुपरहिट फिल्म का इंतजार कर रहे हैं।